वृष राशि वालों, ग्रह दशाओं में आए परिवर्तन के फलस्वरूप आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। नौकरी से संबंधित प्रमोशन, इंक्रीजमेंट या टेंडर इत्यादि से संबंधित इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का प्रयास करिएगा, ग्रैब करने का प्रयास अवश्य करिएगा। विस्तार से इस बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, जिसके लिए आप आखिर तक यह राशिफल का वीडियो अवश्य देखते रहें। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आपका अपना फेवरेट राशि फल लेकर। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आज के ग्रह गोचर की स्थिति से। तो आज आसमान में वृष राशि में तीन तीन ग्रह विराजमान है। वृष राशि में शुक्र देवता स्वयं वक्री होकर, सूर्य देवता और बुध देवता विराजमान है। मिथुन राशि में राहु महाराज विराजमान है, केतु महाराज धनु राशि में विराजमान है और शनि के अपने घर में यानी मकर राशि में स्वयं शनि देव वक्री होकर और वहीं पर बृहस्पति देवता नीच के भी होकर और वक्री होकर विराजमान है। मंगल देवता कुंभ राशि में विराजमान है और चंद्र देवता मीन राशि में विराजमान है। इन सभी ग्रहों के परिणाम स्वरूप ही हमको विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, जिसका थोड़ा सा रिलेशन जो हमारी जन्म की जन्म कुंडली होती है उससे कनेक्टेड जरूर होता है। उसके अनुसार इसकी तीव्रता और कमजोरी का अनुभव किया जा सकता है इन फलों की। तो यहाँ पर मैं आपको आज का पंचांग बताने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि आप लोगों की बदौलत ही आज यूट्यूब पर हमारे 14,85,000 से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, लेकिन लाइक करने से भी ज्यादा जरूरी है इसे दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, क्योंकि ज्ञान की जो गंगा है वो हमेशा बहती रहनी चाहिए। अगर आपकी विशेष कोई इच्छा है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके अनुरूप अपने कार्यक्रम को ढाल सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 18 मई सन 2020 सोमवार का दिन है, द्वादशी तिथि है, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की। आसमान में प्रीति नामक योग बना हुआ है और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का उदय हुआ है। राहु काल आज सुबह 7:10 से लेकर 8:52 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त है 11:53 से लेकर 12:41 तक रहने वाला है। इस शुभ मुहूर्त में ही किसी शुभ कार्य का प्रारंभ करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्ति हालात और ग्रहों में आए हुए परिवर्तन के फलस्वरूप आपको कोई शुभ सूचना, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट या टेंडर इत्यादि से संबंधित प्राप्त हो सकती है। तो इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का भरपूर प्रयास करें। यहाँ पर थोड़ी सी नानुकर के बाद परिवारजनों का पूरा सहयोग इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपके साथ नजर आ रहा है और आपके भाई बहनों का जो सहयोग है वो निश्चित रूप से आपकी आमदनी में वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए उनकी सलाह मानकर आप अपनी आमदनी में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माता का आशीर्वाद फुल टू फुल आपको ये अपॉर्चुनिटी जो नौकरी इत्यादि से संबंधित थी उसमें प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो माता का आशीर्वाद अवश्य है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के अपनी पढ़ाई में फोकस करने के लिए प्रबल संभावना बनती है, तो आप फोकस करें, निश्चित रूप से आपसे आगे चलकर आपके काम आने वाला है। अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, मेहनत करने के बाद भी आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को या इनके माता पिताओं को हम गारंटी देते हैं कि आपके बच्चों के अब हर साल पहले से ज्यादा नंबर आएंगे और उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा। या उन युवक युवतियों की बात करें जो सरकारी नौकरी की बार बार तैयारी कर रहे हैं मगर सफलता हाथ नहीं आ रही है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग भगवान ने लिख के भेजा है या नहीं। अगर नहीं भेजा तो हम तो क्या परमपिता परमात्मा के अलावा कोई भी कुछ करने में असमर्थ होगा।
हाँ, अगर योग कमजोर है, छोटे छोटे वैदिक उपायों से मजबूत करके आपको सरकारी नौकरी का प्रबल दावेदार बनवाया जरूर जा सकता है, या आपकी संतान बार बार आपका अपमान करती है, बेइज्जती करती है, तो आपको अपनी संतान को अपने प्रेम के वश में करने के लिए कुछ उपायों का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। तो ऐसे सभी माता पिता या युवक युवतियां स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, पर्सनली मिलकर या ईमेल के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इन वैदिक उपायों को पूरी दुनिया में कहीं भी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं या यहां से आकर कलेक्ट कर सकते हैं। जिन युवक युवतियों की अभी तक शादी नहीं हो पा रही है, उम्र निकलती जा रही है, बाल सफेद होने लगे हैं, ऐसे सभी युवक युवतियां स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल या स्वयं मिलकर संपर्क करें और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपने जीवन में एक सुंदर सा जीवन साथी लाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि जो अड़चन आ रही है वो किसी न किसी दोष की वजह से ही है। तो जब आपके दोष दूर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको एक सुंदर सा जीवन साथी प्राप्त होने की तरफ आप अग्रसरित हो सकेंगे। मेरा नाम जगमोहन है, मैं दिल्ली से रोहिणी से आया हूँ। मैंने गुरुजी के यूट्यूब पे इनके जो चैनल में इनकी चलती रहती हैं वीडियोस, तो उनको देख के मैं आया था इनके पास 2019 की मार्च में आया था। तो जो मेरी समस्या थी उनको उन्होंने सुना और उसके बारे में मेरे को बताया कि आप इस तरीके से ये राशि के तहत जो आपकी परेशानी जो मैंने बताई थी उनके मुताबिक मेरे को जो इन्होंने पहनाया, ये मेरे को अंगूठियाँ पहनाई और मेरे को जिस दिन से पहने कहने मतलब है कि उस मंथ के अप्रैल के बाद से मेरे को मेरे काम जो थोड़े रुके हुए थे और धीरे धीरे वो स्टार्टअप में आ गए मेरे पास। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस और किसी को भी अगर परेशानी या कुछ है तो बाबा जी से संपर्क करें और अपनी समस्या जो भी है वो जरूर पूरी होगी। एक बार एक शनि मंदिर में आके आप जरूर गुरु जी से मिले। आपका काम था पहले दुबई में काम था या बाद में शुरू हुआ है? हाँ, मैंने अपना काम सेल्फ अपना वहाँ पर कुवैत में मेरा काम चालू अब किया है मैंने अपना। अब मैं आगे नया काम करने जा रहा हूँ वहाँ पर, तो अब बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे तरक्की मेरे को बढ़ती मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन पति पत्नियों के बीच में लड़ाई, झगड़े, मारपीट, गाली गलौज बहुत अधिक होता है और बात पढ़ते पढ़ते अड़ोसी पड़ोसियों से होती हुई थाने कोर्ट कचहरी तक जाती है, तो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर हमसे वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल या स्वयं मिलकर संपर्क करें और छोटे छोटे वैदिक उपायों के माध्यम से अपने जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करें। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो भाग्य के हालात थोड़े से ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, जल्दीबाजी में कोई फैसला बिल्कुल भी ना लें। बात करते हैं एक्सीडेंट से संबंधित, कोई संभावना आसपास हो सकती है लेकिन आपकी सतर्कता अत्यंत आवश्यक है ताकि इस परेशानी को टाल सकें। बात करते हैं कार्यस्थल के हालात, तो कार्यस्थल के हालात में आपका जीवन साथी आपको भरपूर सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है, उनके सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयास करें। आमदनी के हालात के लिए जैसा कि हमने आपको बताया था, आपका थोड़ा सा भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और आपके भाई बहनों की सलाह मानकर भी आप आमदनी में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ वृष राशि वाले युवक युवतियों के प्रेम संबंधों के बारे में, तो वृष राशि वाले युवक युवतियों के प्रेम संबंध इस समय उनके सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं, अवसर का लाभ उठाएं। और जो युवक युवतियां प्रेम संबंधों में निराशा का अनुभव कर रहे हैं आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से, शादी ना हो पाने की वजह से, या साथी धोखा दे रहा है इस वजह से, या कोई उनके प्यार को किसी तरीके से भी छीन लेना चाहता है इस वजह से, तो ऐसे सभी युवक युवतियां वैदिक उपायों के माध्यम से
अपने प्रेम संबंधों में मजबूती ला सकते हैं। और इन वैदिक उपायों के बारे में जिनमें आपने कोई मुर्गों की, बकरों की, उल्लू की बलि नहीं देनी होती या पूजा पाठ के नाम पर कोई बहुत बड़ा ढोंग प्रपंच जैसा कुछ नहीं करना है, तो इन उपायों के बारे में जानने के लिए या इन उपायों को घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर एक वीडियो कॉल, फोन कॉल, पर्सनली मिलकर या ईमेल के द्वारा हमसे संपर्क करें। हम निश्चित ही आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करते हुए आपके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और अंत में वृष राशि वालों, आपकी ओवरऑल गृह स्थिति को देखते हुए मैं आपको आज के लिए 5 में से 3 स्टार देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।